हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी सी टैनिंग है, सनबर्न की प्रॉब्लम है, या टैनिंग बहुत सालों की जमा हुई हो जो निकलने का नाम नहीं लेती, तो ये रेमेडी आपके लिए है। घर में बहुत ही इजीली आप नेचुरली अपनी टैनिंग को और जो है ज़िद्दी से कालेपन को पहली बार में ख़त्म कर सकते हैं, और ये बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पोटैटो को ले लिया है। पोटैटो जो है नेचुरली इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, ये नेचुरली ब्लीचिंग का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है आपकी टैनिंग को, जो आपके इस कालेपन को जो है डर्ट जमा हो जाती है उसको बहुत ही ईजिली ख़त्म कर देते। पोटैटो के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि ये आपके ज़िद्दी से ज़िद्दी कालेपन को पहली बार में ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले पोटैटो को जो है मैंने अच्छी तरीके से धो लिया, उसके बाद हम इसको छील लेंगे, और जो है हम एक छोटा सा पोटैटो हमने ले लेना है। इसको मैंने जो है अच्छी तरीके से छील लिया है, पील ऑफ कर लिया है। उसके बाद जो है हम इसको कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेटर की मदद से जो है अच्छी तरीके से जो है इसको ग्रेट कर लेंगे। बेसिकली हमको पोटैटो का जूस चाहिए। अच्छी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, और जो है हाफ पोटैटो का जो है हमने जूस को निकाल लेना है। आप चाहे तो मिक्सर में जो है ग्राइंड भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया है, और पोटैटो को जूस जो पोटैटो का जो हमने इसको कीसा था, इसको अच्छी तरीके से जो है स्क्वीज करते हुए जो है हम अच्छी तरीके से इसका जूस निकाल लेंगे। क्योंकि मैं एक वन टाइम के लिए बना रही हूँ, तो इतना जो है पोटैटो जूस इनफ है, और इसको एक ही टाइम के लिए बनाना है, बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा दाने, छोटे छोटे दाने, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर एक नेचुरल एक्सफोलिएट की तरह हमारी स्किन पे काम करता है, छोटे छोटे दाने दाग धब्बे को ख़त्म करता है, और ये बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है। जो गर्मियों की वजह से हमारे फेस पे, हाथों पैरों पर या फिर बॉडी पर बहुत छोटे छोटे से जो दाने हो जाते हैं, उसको ये बहुत ईजिली ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर एक चम्मच के करीब जो है मैं शुगर को इसमें ऐड कर लूँगी गाइस। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। यहाँ पे जो है दो से चार बूंद जो है हम इसमें ग्लिसरीन को ऐड करेंगे, क्योंकि समर सीजन स्टार्ट है तो ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, दो से चार बूंद ही हमने इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ लेमन। लेमन जो होता है इसमें विटामिन सी भर भर के होता है। लेमन में तेज़ी से मैल काटने की सलाहियत होती है, और विटामिन सी हमारे स्किन को फेयरर एंड ब्राइटन अप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। विटामिन सी जो होता है ये आपकी स्किन को जो है नेचुरली ब्राइटन अप करता है, और जो है लेमन में तेज़ी से मैल काटने की सलाहियत होती है, जितना भी टैनिंग है इसको ख़त्म कर देता है। तो लेमन बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। तो जो है यहाँ पे मैं कुछ बूंदे इसमें लेमन के ऐड कर लूंगी। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है, तो आप स्किप भी कर सकते हो, पर वैसे लेमन जो है इसके अमेजिंग बेनिफिट है। अगर आपको लेमन से फेस पे सूट नहीं करता है, तो आप इसका इस्तेमाल हाथों पैरों पे कीजिए। बहुत ज्यादा जो जिद्दी सी टैनिंग है उसको कंप्लीटली खत्म कर ग्लोइंग स्किन देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा गाइस। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी राइस फ्लावर। राइस फ्लावर जो है एक चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप फुल बॉडी के लिए, हाथों पैरों के लिए बना रहे, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। फेस के लिए बना रहे तो एक चम्मच इनफ है। तो राइस फ्लावर जो है नेचुरल एक्सफोलिएट की तरह काम करता है टैनिंग को, डर्टनेस को, और जो है हमारे जो कालेपन को, जिद्दी से जिद्दी मैल को बहुत ही ईजिली ख़त्म कर देता है। और जो है राइस फ्लावर एक अमेजिंग नेचुरल एक्सफोलिएट की तरह हमारे स्किन पे काम करता है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दिया है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी बन के रेडी है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत अच्छी तरीके से होती है। और जो राइस फ्लावर है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है नॉर्मल चावल को धो के सुखा के जो है उसको पीस सकते हैं। राइस फ्लावर के वैसे भी हमारे स्किन पर अमेजिंग बेनिफिट है। मुझे पेस्ट थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो इसमें मैंने पानी को ऐड कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, इतना बनाना है कि जो मीडियम सी कंसिस्टेंसी हो। अच्छी तरीके से मिक्स 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 करना है, कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। ये
जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किए हैं जो है पोटैटो जूस एंड राइस फ्लावर शुगर, इन सभी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है हमारी टैनिंग को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। एंड जो ग्लिसरीन को मैंने इसमें ऐड किया है, ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सफल बनाने में हेल्प करेगा और जो है आपकी स्किन को रेडिएंट ग्लो प्रोवाइड करेगा। तो अच्छी तरीके से मिक्स करना है। एंड सबसे अच्छी बात इस रेमेडी की ये है कि आप इसका इस्तेमाल फुल बॉडी के साथ साथ अपने फेस पे भी कर सकते हो। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, काफ़ी टाइम से मैं इस तरीके से बना रही हूँ और जो है मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, चाहे छोटे छोटे दाने हो, दाग धब्बे हो, कालापन जमा हो, सालों पुराना, बहुत ईजिली जो है ख़त्म कर देता है। तो इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अपने क्लीन हाथों पे पैरों पे जो है इस तरीके से जो है लगा लेना है आपने, और जो है अच्छी तरीके से जो है इसको मसाज करना है। सबसे पहले अपने क्लीन हाथों पे पैरों पे जो है अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है एंड अच्छी तरीके से मसाज करना है, क्योंकि शुगर चावल का आटा एक नेचुरल एक्सफोलिएट की तरह काम करता है, तो ये बहुत अच्छा ग्लो आपको प्रोवाइड कराएगा एंड जो है रेडियंट ग्लो आपकी स्किन में प्रोवाइड कराएगा आपको। एंड जो है ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सफल बनाने में हेल्प करता है। अच्छी तरीके से जो है अपने हाथों को जो है 2 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको स्क्रब करना है, हल्के हाथों से जो है इसको मसाज करनी है एंड देन वॉश करना है। गाइस पहली बार में बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं बहुत टाइम से इसी तरीके से इस्तेमाल करी और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। यहाँ पे जो कालापन जमा हो जाता है उसको भी बहुत इजीली निकालता है एंड बनाने में जितनी आसान है उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आई होप कि वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।